हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए पाव भाजी की रेसिपी लेके आए हैं, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसी मिलती है उसी तरह से ये रेसिपी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए रेसिपी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने के लिए ये हमने शिमला मिर्च लिए हैं, 3 से 4 शिमला मिर्च, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इधर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 4 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इधर मैंने अमूल का एक बटर लिया है और ये पाव भाजी मसाला। और इधर मैंने करीब 250 ग्राम मटर होगी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, उसको अच्छे से मैश कर लिया है। देख सकते हैं आप मैशर्स की हेल्प से इसको मैश कर सकते हैं। तो चलिए पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया है, इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से क्रेक हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। देखिए प्याज को हमने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने किसी भी और ऑयल का यूज नहीं किया है, केवल बटर में ही बनाऊंगी इसको। तो प्याज को भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जब तक प्याज हमारा भून रहा है तब तक इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक को मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से प्याज हमारा जल्दी भुन जाएगा। देखिए प्याज हमारा आधा भुन चुका है, इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भूनना है इसको। देखिए शिमला मिर्च भी हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इनको करीब 3 मिनट तक हम ढक के पका लेंगे ताकि सब्जी हमारी अच्छे से गल जाए। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से गल गई हैं, देख सकते हैं। अब इनको अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। देखिए सब्जियों को मैश कर लिया है, अब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, जितना तीखा पसंद हो। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम करीब 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। पैकेट से ही डालना है तो आप अपने अनुसार चम्मच की हेल्प से डालिए, मुझे आइडिया है। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीखे मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला मिक्स करने के बाद इसमें हम मटर जो मैंने बॉईल करके रखी है उसको ऐड कर देंगे। मटर को मैंने ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले इसमें मिल जाएं। देखिए मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे करीब 1/2 ग्लास पानी। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया है, ओनली मटर ही डाला है। आलू और पनीर दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब इसको 6 मिनट तक हम पका लेंगे अच्छे से धीमी आंच में।
देखिए फ्रेंड्स, करीब मैंने 4 पाव लिए हैं। पाव आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो इनको मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया है, देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है सभी को, ताकि इनको बटर के साथ सेकने में प्रॉब्लम ना हो। और इधर मैंने धनिया पत्ती को कट कर लिया है और भाजी में डालने के लिए। तो चलिए भाजी को देख लेते हैं। देखिए भाजी हमारी पक चुकी है अच्छे से, बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है। अभी इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। जितना ही ये पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। देखिए भाजी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और चलिए पाव भाजी को हम सर्व कर लेते हैं। भाजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब हम पाव को अच्छे से सेक लेते हैं। गैस पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ा दिया है, जिसमें हम डाल देंगे बटर। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम पाव को रख देंगे। उनको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए पाव हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं, इन्हें मैंने पलट दिया है, ये देख सकते हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाव भाजी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।